जिसके बाबू जॉब लग गई, कहाँ से आती है? खुशी के आंसू है ना, मेरे को सूट नहीं चाहिए, रोना नहीं है। बाबू क्या हुआ है, मन क्यों करके आया है? बाबू बोल ना। तू कब से आ रही है दरबार में? तीसरी फेरी है, मतलब तीसरी बार है। तेरा एक काम बन गया बाबू, तो माँ माई तुझे दर्शन दे मेरे रूप में, तो तुझे तो बोलने की लोड़ ही नहीं, बिना बोले काम हो रहे हैं तेरे। बस भी तो पागल हो गया भगवान, तुझे बोल कुछ बताया नहीं घर में, ऐसा क्या है? तो मैया संकट काट रही है तेरा फेरा लगा के बाबू, बिना कुछ बताई कर रही है। तेरे तेरे काम बनने चालू हो गए, तेरे घर के बीमारी अपने आप ही, मतलब तुम यही होती है सच्चे भक्तों की पहचान, कि मैया खुद पहुंच जाती है मैं भक्त करूँ तुम्हें। बोल सच्चे दरबार की जय। तुझे जानती भी नहीं बाबू, तू तीसरी बार कह रही पठानकोट। मैं पहली बार देख रही हूँ ना, या मैं शक्ति पे होगी तब आई होगी, तू तो मेरे को ध्यान नहीं रखता है। तू बुला लेना फैमिली, आज लेके कब आए थी? पहली बार आई थी, उनको डिस्ट्री प्रॉब्लम, वो आंसर पर नहीं कर सकते, वो पापा मेरे नहीं दे जाता। तो एक सैनिक चलवा दो, एक सैनिक दे दे रहते कर देगी ना। तू क्या करेगी, लड़का कोई घर में है? फिर मामा मुमा कोई बुला ले तो, या कोई धर्म भाई चाचे का भाई बेटा या कोई है कर देगा। तो तू कराएगी सारे घर पे सेवा, सारा बच्चों पे सेवा के चुराही। मैं चंडीगढ़ में जॉब लेती है ना, तो मैं बाबू ऐसे ही काम हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, मैया ऐसे ही कर देगी। तभी उसको पता है, तभी फेरा लगा रही है वो। मैंने सपने में तीन बार आपको घर की प्रॉब्लम बता दी, पर आपने कुछ नहीं बोला, पर आज मैंने बोला सामने बता दूंगी। बाबू फिर से मैं का इंतजार कर, महामाई तुझे सपन में ही आके